नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सना रहमान और मेरे साथ मेरी सहयोगी जोया मौजूद है। बता दें कि रमजान का पाक महीना अब शुरू होने जा रहा है और जैसे कि जोया उम्मीद जताई जा रही थी कि कल यानी कि 22 मार्च को चांद दिख जाएगा और आज से रोजे की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन कल चांद नहीं दिखा। ऐसे में आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि चांद रमजान का जरूर दिखेगा और कल से जो रमजान की शुरुआत है वो हो जाएगी। लोगों ने ऐसी उम्मीद जताई हुई थी कि कल जरूर चांद दिखेगा। हमने भी शाम में जाकर के देखने की कोशिश की कि क्या वाकई चांद दिख रहा है, आज से रमजान शुरू हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई। इमारत शरिया की तरफ से भी ये अनाउंसमेंट किया गया जोया कि चांद नहीं दिखा, यानी कि आज से रमजान शुरू नहीं हुआ है। तो क्या आगे उम्मीद है कि आज चांद दिख जाएगा? जी सना, बिल्कुल बता दूं मैं आपको कि सऊदी अरेबिया में जो है वो आज से रमज़ान की शुरुआत हो चुकी है। तो ये बात तो बिल्कुल तय है सना कि कल से इंडिया में भी रमज़ान के पाक महीने की शुरुआत हो जाएगी। वहीं बता दूं आपको कि ये 30 दिन जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बेहद ही ख़ास होता है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कल फ्राइडे है यानी कि जुम्मे का दिन, और जुम्मे का दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बेहद ही ख़ास माना जाता है। तो कह सकती हैं सना कि रमज़ान की शुरुआत जो है वो फ्राइडे से हो रही है और वो बेहद ही खास दिन माना जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि रमज़ान के दौरान मुस्लिम लोग जो हैं वो रोज़े रखते हैं लगातार। सहरी से इफ्तार तक का जो वक्त होता है मुस्लिम लोग उस वक्त रोज़े में फास्टिंग में रहते हैं। और इन दिनों में मैं बता दूं आपको कि लोग जो हैं नॉर्मली जो इबादत करते हैं उससे थोड़ा बढ़कर इबादत में लगे रहते हैं। माना जाता है कि रमज़ान जो है वो इबादत का महीना है, तो मुस्लिम लोग इस पूरे महीने में कोशिश करते हैं कि वो अल्लाह के और करीब जा सकें, वो और ज़्यादा इबादत कर सके सना। वहीं ये एक महीना जब मुकम्मल हो जाएगा तो ईद आएगी। पूरे एक महीने के बाद 30 दिन के रोज़े के इंतज़ार के बाद ईद का दिन भी आएगा। बता दूं कि साल भर लोग जो हैं इस महीने का इंतज़ार करते हैं। रमज़ान जो है एक पाक महीने की तरह माना जाता है। मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे साल इस महीने का इंतज़ार करते हैं सना। और अब आपको बता दूं कि कल से रमज़ान मुबारक की शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल सही कहा आपने जोया कि पूरे साल भर जो लोग हैं वो इस महीने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि रमज़ान का जो पाक महीना है वो एक महीना लोगों को किस्मत से मिल पाता है वो, और लोग जो है हर मुमकिन कोशिश करते हैं, हर तरह से इबादत करने की कोशिश करते हैं। जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं नमाज कुरान तो वो आम दिनों में भी कहते हैं जैसे कि जोया आपने बताया, लेकिन रमज़ान के महीने में ये कोशिश रहती है कि अल्लाह के जितने करीब हम जा सकें, जितनी ज़्यादा इबादत हम कर सकें वो कर सकें। साथ ही साथ तरावी भी पढ़ी जाती है, एक अलग रौनक जोया देखने को मिलती है। जो पूरा महीना एक महीना चलता है रमज़ान का, वो पूरे महीने भर में एक अलग रौनक देखने को आपको मिलेगी और लोगों के चेहरे पे काफ़ी नूर आ जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि रमज़ान में जिस तरीके से लोग इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला उनसे बहुत खुश रहते हैं। और आज से यानी कि आज आपको बता दें कि चांद दिखना तय है, आज शाम में मगरिब के बाद जो शाम में नमाज़ा होती है उसके बाद चांद दिख जाएगा और कल से रमज़ान की शुरुआत होने जा रही है। सेहरी का वक्त जो है वो भी बता दिएगा, हम आपको एक बार डिटेल से बता देते हैं कि क्या कुछ जो सेहरी और इफ्तार का वक्त है वो मुकर्रर किया गया है। तो आपको बता दें कि आज 23 मार्च है और आज चांद दिखेगा, यानी कि कल से रोज़े की शुरुआत होगी और पहला रोज़ा जो है वो सेहरी का वक्त है सुबह 5:01, यानी कि 5:01 के बाद आप कुछ भी खा पी नहीं सकते हैं। आपको जो भी खाना पीना है सेहरी करनी होगी वो आप 5:01 से पहले ही करेंगे। वहीं जो इफ्तार का वक्त है यानी कि रोज़ा खोलने का वक्त जिसको जोया कहा जाता है वो शाम में 6:37, यानी कि शाम में लगभग 7:15 जो रोज़ा है वो खुलेगा। ये कल की बात मैं कर रही हूँ 24 मार्च को। इसके साथ ही बता दें कि समय जो है वो सेहरी का घटता चला जाता है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं वैसे समय घटता है। तो अगर 25 मार्च की हम बात करें तो 25 मार्च को सेहरी का वक्त जो है वो 5:00 सुबह है, यानी कि सुबह 5:00 सेहरी का वक्त ख़त्म हो जाएगा और शाम में 6:38 जो है वो इफ्तार का वक्त है। बता दें कि काफ़ी अहमियत होती है इस महीने की और सेहरी के वक्त भी लोगों को देखा जाता है, जहाँ पर आप देखते होंगे कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है जहाँ पर लोग रहते हैं तो जो है सेहरी के वक्त भी काफ़ी रौनक देखने को मिलती है। उतनी सुबह लोग उठते हैं, इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सेहरी करते हैं, काफ़ी खुशनुमा माहौल रहता है। तो मैं चाहूँगी एक बार कि जोया आप अच्छे से समझा दें कि आखिर सेहरी होती क्या है। बता दें सना कि भले ही सुबह 5:00 फज्र की अजान होती हो, लेकिन रमज़ान
रमजान में आप ये चीज़ देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो हैं वो उस वक्त जागे हुए होते हैं, वो सहरी करने उठते हैं। बता दें कि सहरी जो है वो सूरज उगने से पहले तक के समय को माना जाता है, यानी कि सना ने जैसे कि आपको बताया है कि 5 बजे के आसपास, 5:01 और 2 मिनट के आसपास कल से सहरी का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। वहीं अगर हम इफ्तार की अगर बात करें तो इफ्तार जो है सूरज ढलने के बाद के समय पर होता है, उस वक्त मगरिब की अजान होती है और उसी वक्त मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हैं वो अपनी जो है पूरे दिन के रोज़े को ख़त्म करते हैं इफ्तार करके। तो सना कल जुमे का दिन है और जुमे के दिन से रमज़ान के मुबारक महीने की शुरुआत होने जा रही है। हम सबकी तरफ से आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद।